सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने ऐसे तो 23 जुलाई को ही डिसाइड कर दिया था कि वे इस केस में एक रीटेस्ट का ऑर्डर नहीं देंगे, पर जब 2 अगस्त को उन्होंने इसके पीछे के रीजंस को हाईलाइट किया है तो लोगों में काफी मिक्स रिएक्शंस देखने को मिले हैं। हम सभी को पता है कि नीट यूजी 2024 को लेकर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी पेपर लीक की वजह से उठी थी, जो कि बहुत स्टेट्स में देखने को मिला था। हालांकि हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच को पता चला कि ये पेपर लीक का मामला मोस्टली पटना और हजारीबाग में एक लार्ज स्केल पर फैला हुआ है और न ही पूरे देश में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने समझा कि अब जो पूरे देश में पेपर लीक एक लार्ज स्केल पर नहीं है तो यहाँ पर एग्जाम की सैंक्सिटी को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए और ऐसे में रीटेस्ट करवाने का ऑर्डर देना सही नहीं होगा। जहाँ यूनियन और एजुकेशन मिनिस्ट्री इस ऑर्डर से काफी खुश दिखे हैं, वहीं अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से इस फैसले को रिकंसिडर करने की बात उठाई है और कुछ ऐसे पॉइंट्स रेज किए हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। अब जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक एक क्लास स्केल पर नहीं है, तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ऐड किया है कि यूनियन का भी शुरुआत से यही स्टैंड रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सत्य की जीत हुई है। एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए ही स्टेटेड, द फाइंडिंग्स एंड द वर्डिक्ट आउटराइटली रिजेक्ट्स द प्रोपेगेंडा दैट वाज बीइंग पेडल्ड। वी होल हार्टेडली थैंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर डिलीवरिंग जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ लैक्स ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। वी शैल इम्प्लीमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट। पर बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान कहा भी था कि एनटीए की फंक्शनिंग में बहुत ही दिक्कतें हैं और उन्हें ये सब सुधारना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, वी हैव सेड दैट एनटीए मस्ट नाउ अवॉइड द फ्लिप फ्लॉप व्हिच हैज हैपेंड नाउ बिकॉज इट डज नॉट सर्व वेल। और यही सवाल अपोजिशन ने उठाया है कि भला जब सुप्रीम कोर्ट बेंच को भी दिख रहा है कि एनटीए ने अच्छे से काम नहीं किया है और उनकी वजह से पेपर लीक हुआ है, तो फिर इसकी सजा उन्हें क्यों नहीं मिली है। इस मामले में आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने क्या कहा है, आइए इस पर नजर डालते हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नीट यूजी के परीक्षा के मामले में अगर आप देखेंगी तो एक ही नंबर 67 बच्चों को कैसे मिल गया। 10वीं के बच्चे से अगर आप पूछिए वो भी कहेगा ये गड़बड़ी और घोटाला हुआ है। एक ही 720 अंक 67 बच्चों को मिल गया, सबके सब टॉप कर गए। और कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स हैं जहां से ये घटना हुई, गोधरा में, हरियाणा में। और अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है तो आप बताइए सीबीआई इंक्वायरी क्यों हो रही है, वो बेदी राम का नाम क्यों आया जो एनडीए के घटक दल का विधायक है। तो मुझे लगता है इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जो री एग्जाम की मांग है कि नीट की दोबारा परीक्षा कराई जाए, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। इन्हीं सेंटीमेंट्स को कांग्रेस लीडर्स कार्ति पी चिदम्बरम, शशि थरूर और राजीव शुक्ला ने भी रिफ्लेक्ट किया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। I like to respectfully differ with the Supreme Court because the integrity of this test has completely gone. To base the admissions on the results of this test, in my opinion, will be very, very unfair to the students because we are hearing great anomalies. A student who has supposedly got over 700 has failed the 12th standard exam twice. So these are things which can't be explained. How can you have a student who is not capable of passing a 12th standard board exam get such a high score in NEET? There is some systemic problem with these scores, and I would only like to disagree with this. There have been a number of areas that complaints have come from. This has all been in the public media. I'm not telling you something that you don't know. And there have been some strange cases, like a topper in Gujarat, I believe, who could not even pass her school examinations but somehow topped in the NEET. There is something very strange about the situation. It definitely needs to be addressed. Now there is a new complication with the NEET PG because a majority of the students from my state of Kerala have been given centers not only not in Kerala, not even in a neighboring state. They're being sent off to Andhra and Telangana. And there are students who are going to have to go through an enormous amount of distress, enormous amount of expense, risk, hassle to travel, and they can't get tickets on trains at this notice. How can this country conduct examinations so badly? I have just seen Minister Nadda along with a delegation of Kerala MPs. The matter is very serious. The entire way in which this whole NEET system is being conducted, whether it's NEET PG, whether it's NEET UG, they really need to rethink it and find a better, more efficient, and certainly more humane way, because our young people's aspirations, hopes and prayers are being put at risk. जहाँ तक भी सीमित हो, गड़बड़ी तो है,
ये तो आ गया कि गड़बड़ी है इसमें, तो जब गड़बड़ी है तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार को इस तरह के ही तो आरोप विपक्ष लगा रहा कि साहब जो इम्तिहान हो रहे हैं भर्ती के लिए या लोगों की पढ़ाई के लिए, उनमें जो है पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, गड़बड़ियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगाई कि हाँ गड़बड़ी है, अब वो कहाँ तक सीमित क्या है वो अलग चीज है, गड़बड़ी तो मान ली ना। अब जहाँ पेपर लीक का मसला मोस्टली पटना बिहार में देखने को मिला, तो इस मामले में आरजेडी एमपी संजय यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को खूब फटकार लगाई है, ये कहते हुए कि उनके अंडर सरकार की फंक्शनिंग और डिटेराइट हो गई है। और एक नजर डालते हैं कि उन्होंने इसमें क्या कहा है। जिस दिन से 4 या 5 मई को जब ये पेपर लीक हुआ, उस दिन से हम कह रहे हैं कि पटना जो नीट का पेपर लीक हुआ वो पटना में है, इपिक सेंटर पटना है। और बिहार का जो सरकारी तंत्र है इतना वीक है कि वहाँ हर पेपर लीक होता है, और जो पेपर लीक हुआ वो कोई ट्रक और टेम्पो में तो भर के कहीं गया नहीं होगा दूसरे सेंटर पे। आईटी का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो वो तो हर जगह गया होगा व्हाट्सएप या किसी के भी जरिए, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपना ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आप ये देखिए कि बिहार में हर पेपर लीक क्यों होता है, चाहे वो बीपीएससी का हो, बीएसएससी का हो, बीएसईबी का हो, बीएसईबी का हो, बीटीएससी का हो, हर पेपर लीक होता है। और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो जो पेपर लीक का एक सिंडिकेट है और जो कार्टेल है उसके ट्रस्टी हैं सरकार में बैठे हुए लोग, इसलिए बिहार में हर पेपर लीक होता है, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी। अब जहां ऑपोजिशन ने फटकार लगाई है, वहीं बीजेपी लीडर्स और यूनियन मिनिस्टर्स ने तो इस जजमेंट की तारीफ की है। और इस मामले में यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने कहा है, देखिए सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की वो पारदर्शी तरीके से हुई है, अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मोहर लगाया। और साथ ही एक नज़र बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्य की बातों पर भी डाल देते हैं। I welcome the observations of the Supreme Court regarding the extent of paper leak that has taken place in the NEET examination. The government has all along said that the question paper leak was limited to one or two places and it had not impacted the whole of the examination, the sanctity of the examination, and had not affected all the students who had appeared for the examination. Despite this, in a very mischievous and irresponsible manner, Rahul Gandhi and the opposition kept demanding for a re-examination for all the 23 lakh people, students in the country. The Supreme Court has very clearly said that there is no mass scale discrepancy. I welcome this judgment of the Supreme Court. The Education Ministry, under the leadership of Dharmendra Pradhanji, has been taking various corrective measures, not just in the short term but also to fix this issue in the long term. इस मामले में एडवोकेट तन्वी दुबे, जो पिटीशनर्स की ओर से मौजूद थी, ने ये कहा है। और क्या वे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश है, ये भी सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट देयर वाज नो सिस्टमिक ब्रीच और सिस्टमिक फेलियर इन द नीट यूजी एग्जामिनेशन, एंड इट हैज मेड इट क्लियर दैट द एग्जामिनेशन पेपर लीक वाज नॉट बियॉन्ड हजारीबाग एंड पटना, एंड द जजमेंट ऑल्सो मेक्स इट क्लियर दैट इन एब्सेंस ऑफ सफिशियंट एंड मटीरियल प्रूफ एंड एविडेंस दे विल नॉट कैंसिल द नीट यूजी एग्जामिनेशन ऑफ 2024। एंड इन द जजमेंट इंटरेस्टिंगली देयर आर different guidelines that are given for NTA to abide by for future examination processes they have to follow. अब इस मामले में देखते हैं कि क्या एक रिव्यू पिटीशन जल्दी फाइल हो सकती है या नहीं। टिल देन की फॉलोइंग लॉ चक्रा।